Hello dear students, welcome back to the GDC live. So with the high demand of all the students, here is the second part of the questions which answer is given wrong by the NTA. But main yahan pe pehla yahan pe confirmation karna chahunga ki ab jitne zyada response yahan pe hame students ke mile hue hain, bahut zyada, agar main students ki baat karu to mujhe more than 80 questions pe students ke doubt mil gaye. Lekin main yahan pe kehna chahunga ki nahi, aisa nahi hai ki har question mein hame doubt hai, lekin kuch questions jahan pe hame lag raha hai in questions pe doubt hai, unko hum priority ke basis pe pehle aapko mention karte hain. Kal wale mein kuch corrections hai, wo bhi main aapko mention yahan pe karta hu. Aur hum baat karne wale hain ki aapke jahan pe doubts the wahan pe kya sahi answer hai aur kis book se uska reference diya gaya hai, un sari cheezon ko bhi main is वीडियो में क्लियर करने वाला हूं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन. आज के सेशन में पहला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा कल के क्वेश्चन से थोड़ा सा एक चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं, यहां पे ये क्वेश्चन हमारा जो प्रियॉन से रिलेटेड क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द प्रियॉन्स. यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, प्रियॉन्स इज अ टाइप ऑफ इन्फेक्शियस प्रोटीन, बिल्कुल ठीक है. प्रियॉन्स कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, नो दिस इज नॉट राइट. क्रेट्सफेल्ड-जैकोब डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय द प्रियॉन, नॉट कॉज बाय द प्रियॉन लिखा है, ये गलत है, ये गलत है, ये कॉज्ड होता है. तो यहां पे ट्रू पॉइंट आपको देखना है, ट्रू देखना है, तो ये वाकई गलत है. यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि वो कॉज होता है. देखिए क्वेश्चन में यहां पे ऑप्शन आंसर में कैसे घुमाया गया है, जैकब क्रेट्सफेल्ड-जैकोब डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रियॉन. अगर यहां पर होता कॉज्ड बाय प्रियॉन तब ये सही माना जाता, तब ये सही माना जाता अगर मैं आपसे बात करता हूं. और यहां पे लिखा है नॉट कॉज्ड बाय द प्रियॉन लिखा है, नॉट कॉज्ड बाय द प्रियॉन, तो सही बात यहां पे क्या हो गया, गलत बात हो गई ना. यहां पे ये पॉइंट हमारा ये गलत हो जा रहा है. ओके, प्रियॉन्स आर इवन मोर डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय देन बैक्टीरियल स्पोर्स, ये बात एकदम ठीक है कि हाँ यहां पे हमारा ये, तो अगर मैं बात करता हूं तो ये पॉइंट नॉट लिख दिया गया. यहां पे होता है क्रेट्सफेल्ड-जैकोब डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रियॉन, तब ये सही होता, लेकिन अभी नॉट लिख गया तो गलत है. आप गलत को तो नहीं, आप ट्रू फाइंड करने वाले हो, तो आपका आंसर क्या होगा, ए एंड बी, डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल स्पोर्स, ठीक है. तो आंसर यहां पे अगर मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू एनटीए आंसर है ए सी डी. ओके, लेकिन एक्चुअली अगर बात करते हैं तो ये सी वाला गलत हो गया, क्योंकि नॉट कॉज्ड बाय द प्रियॉन्स यहां पर लिखा है, लेकिन ये कॉज्ड होता है, कॉज्ड होता है, तो ये सही नहीं है, आपको ट्रू बोलना था. तो आपका ट्रू कौन सा होगा, ए एंड डी आंसर यहां पे सही होगा. आप इसके लिए बिल्कुल क्लेम करिए, और इसको क्लेम कहां से करना है, चैलेंज कहां से करना है, मैं आपको इसकी बुक के मेंशन कर देता हूं. यहां पे सिंपल आपको क्या करना है, ये आपको सिंपल उठाना है, पेल्जार बुक उठाना है. पेल्जार बुक में ये सीधे सीधे लिखा है, या अगर आप हर्ष मोहन पे भी जाओगे ना वहां पे भी लिखा है, या माइक्रोबायोलॉजी की कोई भी अगर आप आरएन मेहता भी उठाते हो ना तो वहां पे भी आपको ये आरएन मेहता में भी लिखा हुआ है, जैकोब डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रियॉन्स लिखा हुआ है, और यहां पे नॉट कॉज्ड बाय द प्रियॉन लिखा है. आप आराम से इसको चैलेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपके आंसर बदलेगा और आपको सही आंसर में ए एंड बी ओनली मिलने वाला है, क्योंकि बी और सी गलत है. तो सी गलत है, नॉट कॉज्ड बाय द प्रियॉन लिखा है, वो गलत है, क्लियर. ओके, तो इसके लिए आप क्लेम करिए, चैलेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेश्चन, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक का क्वेश्चन है. Which of the following is not a cause for the drug undergoing non-linear pharmacokinetic? Enzyme inhibition, enzyme induction, saturation of carrier molecule, saturation of plasma protein binding. यहां पे जो NTA ने आंसर दिया है not a cause है, not a cause पूछा गया है. आप अगर यहां पे बात करते हो तो NTA ने आंसर दिया है enzyme induction. लेकिन अगर आप ब्रह्मांकर बुक उठाओगे तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक की जब बात होती है, द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ नॉन लीनियरिटी इन मेटाबॉलिज्म, तो यहां पे क्या होता है, एंजाइम इंडक्शन. तो एंजाइम इंडक्शन तो होता है, तो वहां पे एंजाइम इंडक्शन नॉट आपसे पूछा गया है, तो इनहिबिशन नहीं होगा, इंडक्शन होगा, इंडक्शन होगा. आप ब्रह्मांकर की यहां पे बायोफार्मास्यूटिक्स की बुक आप उठाएंगे, ब्रह्मांकर की थर्ड एडिशन में पेज नंबर 309 पे ये है,
तो आंसर क्या होगा? इनहिबिशन. इंडक्शन तो यहां पे क्या है? इंडक्शन तो होता है. नॉट कॉज क्या होगा? एंजाइम इनहिबिशन नहीं होता, एंजाइम इंडक्शन होता है. तो आप इसको क्लेम करिए. यहां पे आपको चांसेस है कि आंसर आपके बदले हुए आपको एनटीए के द्वारा दिख सकते हैं. ये आपको यहां पे चाहे ब्रह्मांकर की अगर मैं बात करता हूं, दूसरी बुक यहां पे 310 पे भी लिखा हुआ है, एंजाइम इनहिबिशन शुड बी द करेक्ट आंसर यहां पे होना चाहिए. क्योंकि अगर आप मेटाबॉलिज्म में बात करते हो और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हो तो एंजाइम इंडक्शन यहां पे होता है. लेकिन आपसे पूछा गया, नॉट पूछा गया है. क्वेश्चन में क्या लिख गया? देखो फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन में नॉट अ कॉज लिख गया है, तो यहां पे होगा एंजाइम इनहिबिशन नॉट अ कॉज, एंजाइम इंडक्शन होता है. ये चीज आपसे यहां पे करेक्ट करने के लिए मिल सकता है, आंसर आपको इसमें मिल सकता है. इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है रेसिडिटी. एक्चुअली यहां पे कंफ्यूजन है भी, मैं आपको क्लियर करता हूं. क्योंकि अगर मैं फार्माकोग्नोसी की स्टैंडर्ड बुक ट्रीज एंड एडवांस में जाता हूं तो वहां पे मुझे मिलता है हायर एसिड वैल्यू मिलने वाला है, और अगर मैं यहां पे लैकमैन बुक से जाता हूं तो हायर मुझे आयोडीन वैल्यू मिलने वाला है. ये दोनों चीजें. लेकिन सिंस रेसिडिटी ऑयल इन द फिक्स्ड ऑयल जनरली सोज, आप जब रेसिडिटी हो रही होती है तब हमारा क्या होता है? एसिड वैल्यू बढ़ता है. लेकिन जब हो जाती है रेसिडिफाइड ऑयल हो जाता है तब वहां पे क्या होता है? हायर आयोडीन वैल्यू मिलती है एज कंपेयर टू द. तो आप इस क्वेश्चन पे जा सकते हैं. एनटीए ने आंसर दिया है बी आंसर, हायर एसिड वैल्यू एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड बट हायर आयोडीन वैल्यू. चलिए थोड़ा सा बुक की बात करते हैं. देखिए मैं दोनों चीजें आपको दिखा रहा हूं. ट्रीज एंड एडवांस में चलोगे तो यहां पर आपको साफ साफ देखिए सीधी लाइन आप पढ़िएगा, हाई एसिड वैल्यू अराइज इन रेंसिडिफाइड ऑयल्स. रेंसिडिफाइड ऑयल्स में हाई एसिड वैल्यू अराइज होती है. और अगर मैं लैकमैन बुक के थ्रू चलता हूं, मैं इसलिए दोनों बुक को यहां पे रेफरेंस दे रहा हूं, तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी लैकमैन के फोर्थ एडिशन के पेज नंबर 755 पे है, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मॉइस्चर एसिड एंड ऑक्सीजन विच लीड्स टू रेंसिडिटी इन फैट इंक्रीज विथ हाई आयोडीन वैल्यू. तो दोनों अलग चीजें यहां पे कह रही हैं. एक बार रिस्क लिया जा सकता है, आप इस पे क्लेम कर सकते हो. लेकिन अगर यहां पे फार्माकोग्नोसी के थ्रू वो स्टैंडर्ड बुक को लेके चल रहे होंगे ट्रीज एंड एनिमल्स तो शायद वो कंसीडर ना करें. लेकिन अगर लैकमैन की बात हो रही है तो यहां पे ये कंसीडरेशन होने के चांसेस बन सकते हैं. क्योंकि यहां पे एसिड वैल्यू की अगर बात करता हूं अकॉर्डिंग टू लैकमैन, तो इस पूरे एसिड वैल्यू की डिफिनेशन में कहीं भी रेसिडिफाइड ऑयल की बात नहीं हो रही है. करेक्ट है? तो यहां पे आप इसके लिए जा सकते हो, बुक उठाइए और यहां पे आप जरूर इसको मेंशन कर दीजिएगा. ये चीजें आपको देखने को मिलने वाली है. आयोडीन वैल्यू ससेप्टेबल टू डेंसिडिटी इंक्रीज फॉर द ऑयल और फैट हैविंग हायर आयोडीन वैल्यू. कई बुक से हमने रेफरेंस यहां पे कलेक्ट किया और सबके रेफरेंस को मिला के हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये था कि सर प्रिस्क्रिप्शन प्राइस कंसिस्ट ऑफ. इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज थे कि सर क्या एनटीए ने सही दिया है? यहां पे एनटीए ने बिल्कुल सही दिया है. प्रिस्क्रिप्शन प्राइस इज द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट एंड द प्रोफेशनल फीस ओनली. ये आपको मैंने पहले भी मेंशन कराया था. तो यहां पे प्रोफेशनल फीस एंड, देखिए यहां पे आप सिंपल बात करोगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल्स की बात करूंगा, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की बुक हमारी जो आती है. यहां पे देखिए साफ साफ लिखा है, प्रिस्क्रिप्शन प्राइस इज एसेंशियली अ समशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ड्रग इंग्रेडिएंट एंड प्रोफेशनल फीस. ये दोनों चीजों का यहां पे होता है. तो इसलिए आप इसके लिए मत करिएगा, मैं आपको सजेशन दूंगा. आप फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि हम गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या करना चाहिए नहीं करना चाहिए. मेरा काम है आपको सच दिखाना, सच बताना, क्या डिसीजन लेना है. आप चाहो तो 125 क्वेश्चन सभी को कंप्लेन कर दीजिए, वो तो एनटीए के हाथ में है कि वो आपकी कितनी बातों को कंसीडर करने वाले हैं. तो इसलिए अगर सभी स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस पे सभी लोग क्लेम करोगे तो शायद है कि उसको जरूर कंसीडर करके राइट आंसर चेंज किया जाए, जो सही हो वो मिल सकता है. ओके, इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट का बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. एक्चुअली ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन है भी, मैं आपको मेंशन करूं, यहां पे आपसे रिएक्शन दिया गया है. इस रिएक्शन में आपका क्या हो रहा है? यहां पे कीटोन मॉइटी कन्वर्ट होके एल्केन बन रही है. अब यहां पे पॉइंट ये आता है कि दो रिएक्शन, अगर मैं बात करता हूं वॉल्फ किस्नर रिडक्शन एंड क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन, दोनों में ये रिएक्शन होती है. सिंस यहां पे इन्होंने कुछ भी यहां पे मेंशन नहीं किया है कि ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो कंफ्यूजन थोड़ा सा यहां पे हो गया. अब सिंस अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे दोनों रिएक्शन हो सकती हैं, लेकिन मैं यहां पे चलूंगा एनटीए के साथ कि हां जी यहां पे मेरा ये आंसर सही है गलत नहीं है.
क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड बुक पे चलोगे, जगदम्बा हमारी जो बुक आती है, मैं उस पे बैल एंड बैल से भी गया, उसपे भी गया, यहां पे क्या है, हमारा जो मॉइटी है ना, इसमें हायर हिंड्रेंस देखने को मिल रहा है एंड लार्ज मॉलिक्यूल है, और लार्ज मॉलिक्यूल में हमेशा, ध्यान से सुनिएगा, लार्ज मॉलिक्यूल में हमेशा हमारा क्या होता है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन होता है, जबकि वो इन द प्रेजेंस ऑफ NH2, यानी हमारा बात करेंगे सोडामाइड के प्रेजेंस में होता है, इस हाइड्राजाइड के प्रेजेंस में होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे हमारा स्ट्रेट चेन या स्मॉल मॉलिक्यूल होता तो तब जिंक अमलगम यानी HCl के प्रेजेंस में यहां पे N-butane बनता है, दैट इज द क्लेवेंशन रिडक्शन, दैट विल बी द इन द एसिड। लेकिन यहां पे मॉलिक्यूल देखो आपको क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है, तो लार्ज मॉलिक्यूल में जब बात हो रही है तो यहां पे हमें किसके साथ चलना है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन के साथ चलना है, तो यहां पे गलत नहीं है, यहां पे आपको बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। टोलुइन प्रोपाइल कीटोन की जब रिएक्शन आप कराओगे, और खासतौर पर जब ये हम कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्राजोन, तब हमें क्या मिलने वाला है, ब्यूटाइल टोलुइन मिलने वाला है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड यहां पे मिलने वाला है, यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पहले हमारा क्या होगा NH2 एंड देन हमारा यहां पे क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में यहां पे हमारा ये रिएक्शन होता है। तो इसमें एनटीए गलत नहीं जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ द एल्कलॉइड प्रेजेंट इन कोल्चिकम, यहां पे कंफ्यूजन बच्चों को कि सर ये तो प्रोटो एल्कलॉइड होता है, यहां पे तो ट्रोपेन स्टेरॉइडल अमीनो एंड क्विनोलिन की बात हो रही है। मेरी बात ध्यान से यहां पे सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीके कोपाटे सर की बुक उठाइएगा, वहां पे इसका क्लियर आंसर दिया है, प्रोटो एल्कलॉइड ऑल्सो कॉल्ड एज द अमीनो एल्कलॉइड और उसी का एग्जाम्पल होता है कोल्चिकम। तो एग्जैक्टली आप यहां पे डायरेक्ट लाइन टू लाइन में कोपाटे सर की 54th एडिशन पेज नंबर 15.1 एंड 15.2 की बात कर रहा हूं। The protoalkaloid or amino alkaloid are simple amine in which the nitrogen is not in the heterocyclic ring. Sometimes they have considered as the biological amine. They are basic in nature and prepared in plants from amino acids. Some of the example of these alkaloid are the mescaline, N,N-dimethyltryptamine, colchicine and ephedrine की बात हो रही है। कोल्चिसिन आ गया तो इसमें हमारा ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको। अब ये वाले क्वेश्चन में मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि सब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब हमारी आरबीसी कैप्ट की जाएगी तो सॉल्यूट का मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट, सॉल्यूट का नहीं होता, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट्स के माइंड में देखने को मिल रहा है। लेकिन आप मेरी बात थोड़ा समझिएगा, आप जब बात कर रहे हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, तो आरबीसी और 0.9 NaCl सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, तो वहां पे दोनों का टोनिसिटी इक्वल है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो हमारा फ्लूड मींस हमारा वहां पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों इनसाइड आउटसाइड मूव हो सकता है विदाउट एनी डाउट है। आप चाहो तो क्लेम करो, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको जरूर कंफर्म करना चाहूंगा कि यहां पे देयर विल नॉट एनी द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट अक्रॉस द आरबीसी मेम्ब्रेन, ये पॉइंट ठीक जा रहा है। कैप्टन आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है, नॉट मूवमेंट की बात हो रही है, हां जी मूवमेंट नहीं होगा, द आरबीसी शेप एंड साइज विल नॉट चेंज, ये ठीक है, लेकिन नॉट एनी मूवमेंट, भैया मूवमेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। Because of the osmotic pressure across the membrane is same, the solute will not cross across the RBC. Point यही आ गया कि जब हमारा osmotic pressure equal है तो हम कैसे differentiate कर पाएंगे कि हमारा solute जा रहा है या solvent जा रहा है, आप वहां पे, क्योंकि tonicity, osmotic pressure दोनों का equal है तो freely movement देखने को मिलने वाला है विदाउट एनी डाउट। आप यहां पे चलिएगा, हमने इसको कई बार यहां पे कंफर्म किया है, और अगर मैं आपको यहां पे सीधे बुक की लाइन कंफर्म करता हूं, रेड ब्लड सेल्स आर अदर सेल्स प्लेस इन द आइसोटोनिक फ्लूइड नॉर्मल सलाइन नीदर गेन नॉर लॉस वाटर बाय द ऑस्मोसिस, वहां पे लॉस या गेन नहीं होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। बट अगर मैं बात करता हूं टोनिसिटी इक्वल होने की वजह से हमारा यहां पे मूवमेंट होगा, और इनसाइड आउटसाइड मूवमेंट होगा, ये सेम बुलिंगम एसेंशियल ऑफ द मेडिसिनल फिजियोलॉजी 6th एडिशन पेज नंबर 55 पे ये क्लियर मेंशन है, तो मुझे इसके डाउट नहीं आ रहा है, ये एकदम करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन आ रहा है रिगार्डिंग द ग्लिसरोजिलेटिन सपोजिटरीज के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे देखो, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लिसरोजिलेटिन सपोजिटरीज ओवरफिलिंग ऑफ मोल्ड इज नेसेसरी, ओवरफिलिंग ऑफ मोल्ड इज नॉट नेसेसरी, पहला पॉइंट।
glycerogelatin bases contract very little on cooling and the excess of cannot be neatly removed. आप जरा इस प्रोसेस को देखिएगा, इसको आपको बनाए के दिखाया भी गया था, जरा इस प्रोसेस को एक बार अगर आप पढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है. When the solution is completely away, the disc and the content, if necessary, add or evaporate the purified water to obtain the correct weight and remove the air bubbles by passing it through the masculine cool. यहाँ पे तो किया हमने. Now, pour the hot mass to the chilled molds में इसको transfer किया गया. Overfilling of the molds is not necessary. Not necessary. And because of the glycerogelatin bases contract very little on cooling and also the excess cannot be removed off neatly. तो यहां पे क्या हुआ, mold is not necessarily overfilling, नहीं किया जाता है overfilling क्योंकि वो cooling होने पे contract नहीं होते हैं. अब जरा फिर से अपने question पे आओ, यहां पे in the manufacturing glycerogelatin suppositories overfilling of mold is necessary. क्या necessary है, नहीं necessary है, means assertion गलत है. And glycerogelatin has very little contraction on the cooling and the excess cannot be removed neatly, that's why this is reason is correct, assertion is wrong. तो A is false, R is true, ये answer सही है, बिल्कुल भी आपको इसको सोचने की जरूरत नहीं है. Okay, next यहां पे है decrease in effective surface area available to the dissolution medium leading to a fall in the dissolution rate may happen due to which one of the following reasons? Addition of cyclodextrin, addition of surfactant to increase the surface tension, addition of hydrophilic dielement, surface charges due to the extreme particle size reduction. यहां पे NTA ने सीधा आंसर दिया है, surface charges due to the extreme particle size reduction. अगर हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया डिक्रीज इफेक्टिव, हमारा क्या है डिक्रीज इन इफेक्टिव सरफेस एरिया अवेलेबल, तो वहां पे अगर हम डिजोल्यूशन मीडियम लीडिंग टू द फॉल इन द डिजोल्यूशन रेट की बात हो रही है, तो वहां पे हम कैसे कर सकते हैं, ड्यू टू द सरफेस चार्ज ड्यू टू द एक्सट्रीम पार्टिकल साइज. ये अगर आप जाओगे ना यहाँ पे आपकी द थियरी एंड स्टेडी फार्मेसी लैकमैन बुक पे जाओगे फोर्थ एडिशन पेज नंबर 186 पे, तो यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे मेंशन है, आप इसको एक बार रीड आउट करोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा. फॉर्मेशन दैट डिसएग्रीगेट रैपिडली रिजल्ट इन द लार्ज सर्फेस एरिया फॉर्म्स एज पार्टिकल्स ऑफ एक्सपोज टू द डिजोल्यूशन मीडियम एग्रीगेशन डिक्रीज द इफेक्टिव सर्फेस एरिया. थोड़ा सा वर्ड को घुमाया गया है लेकिन उसमें कोई गलत नहीं है, आपको यहाँ पे क्लियर कट है. Now the next, water for injection is prepared by using distillation. Students बड़े confused हैं कि सर यहाँ पे तो fractional या steam या molecular, simple कैसे होगा? Answer बिल्कुल correct है, simple होगा. अगर आप book पे जाओगे, ये pharmaceutical engineering सुब्रमण्यम सर की book में है, और देखो clear cut line है. Simple distillation is used for the preparation of distilled water and water for injection. No confusion, no doubt. एक line में answer clear है, तो मुझे इसके लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है. आपको यहाँ पे सीधा answer मिल जा रहा है, बिल्कुल भी इसके लिए tension मत लीजिए, जाने दीजिए, इसको सोचने की जरूरत नहीं है. Now ये वाले question में बहुत सारे students confused हैं. Star spots present into the transverse section of decorticated rhubarb rhizomes are. क्या देखने को मिलता है वहां पे, स्टार स्पॉट्स जो प्रेजेंट होते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में रुबाब में, तो उसमें लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, पेरिसाइक्लिक फाइबर्स होती हैं, कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल होते हैं, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं. रुबाब की बात करते हैं तो वहां पे आपको एबनॉर्मल वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है जब आप उसके ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करते हो, और उसी एबनॉर्मल वैस्कुलर बंडल की वजह से ही वहां पे स्टार स्पॉट्स देखने को मिलता है, और इसीलिए मेरा ये आंसर सही है. अब अगर मैं आपको इसके माइक्रोस्कोपी से थोड़ा सा लेके चलूं, ये बुक आप देखिएगा कोकाटे सर की बुक है, यहां पे क्या है, द ड्रग शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार स्पॉट्स विच इंडिकेट एबनॉर्मल वैस्कुलर बंडल. तो ये स्टार स्पॉट्स क्यों आए, कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल की वजह से है, और ना तो लिग्निफाइड सेल्स का ना कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल का यहां पे कोई भी रोल नहीं है. तो ये आंसर सही है, आप बाकी अगर आपकी मर्जी है आप जहां से करना चाहो कर दीजिए, मेरे अकॉर्डिंग क्लियर कट आंसर है कि आपको सीधा दिखा दिया बुक में कहां पे क्या लाइन मेंशन है. ये मैं कंफर्म कर देता हूं, फार्माकोग्नोसी सीके कोकाटे 54th एडिशन पेज नंबर 9.21 पे ये मेंशन है, आप देख के सभी लोग देख सकते हैं इसके लिए. ओके, सो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स का क्या कंफ्यूजन है मुझे नहीं पता, चलो इस क्वेश्चन को भी एक बार कंफर्म करते हैं. एनाकिंड्रा की बात करते हैं, तो एनाकिंड्रा क्या होता है, एनाकिंड्रा हमारा क्या होता है, इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, तो ऑप्शन 5 करेक्ट है. बेसिलिक्सिमैब की बात करते हैं, तो बेसिलिक्सिमैब हमारा इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एकदम करेक्ट है.
नाउ द नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है इनफ्लेक्सी मैप की बात करते हैं। तो इनफ्लेक्सी मैप हमारी क्या होती है, टीएनएफ अल्फा रिसेप्टर इनहिबिटर होती है, टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर होती है। तो सी टू आपको देखने को मिलेगा। और टैक्रोलिमस की बात करते हैं तो टैक्रोलिमस हमारी क्या होती है, कैल्सियम यूरिन इनहिबिटर होती है। अब इसमें अगर कंफ्यूजन है तो आप एक बार केडी त्रिपाठी सर की जो क्लासिफिकेशन का चार्ट है जरा एक बार देखिएगा, आप इनको मैच करके यहां पे देखें। हमने क्या बोला, इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एनाकिंद्रा, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बैसिलिक्सी मैप। हमने बोला कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर हमको टैक्रोलिमस देखने को मिल गई। हमने क्या बोला, टीएनएफ अल्फा में बोला इनफ्लेक्सी मैप मिल गई। कंफ्यूजन कहां है भाई, इसके कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, इसको तो बिल्कुल आप हटा दीजिए, ये तो सीधे सीधे क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंफ्यूजन देखने को मिले और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट किए, थोड़ा एक बार समझिएगा। वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर, एकदम करेक्ट है, क्योंकि वर्टिकल में राइजिंग और फॉलिंग दो टाइप के होते हैं। हमने बोला वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फोर्स्ड सर्कुलेशन टाइप इवेपोरेटर, ये गलत है, क्योंकि फोर्स्ड सर्कुलेशन टाइप इवेपोरेटर में हम क्या करते हैं, पंप का यूज करते हैं और फीड को आगे की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर, तो वहां पे हम कोई फोर्स्ड एक्सटर्नल अप्लाई नहीं करेंगे, पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू देयर मास वो मूव करेंगे। तो ये इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो एनटीए ने यहां पे सही आंसर दिया है, कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर है और ये हमारा फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर है, हॉरिजॉन्टल अलग होता है, तो राइजिंग एंड फॉलिंग ये होते हैं। अगर बात करते हैं क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर ही कहलाता है राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर या वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर कहलाता है। और अगर बात करते हैं क्लाइंबिंग फॉलिंग दो टाइप के हमारे होते हैं, राइजिंग और हमारे क्या फोर्स्ड वाले को हमने अलग नाम दे दिया, उसमें हम पंप को अप्लाई करते हैं। तो इसलिए बी गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है विदाउट एनी डाउट। आप चाहो तो क्लेम करो, मैं बार बार ये बोलूंगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ मुझे सही है मुझे करना चाहिए, सो इट्स योर चांस, बिल्कुल आप जाइएगा। लेकिन मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि अकॉर्डिंग टू एनटीए यहां पे एनटीए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बड़ा कंफ्यूजन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबव आर ट्रू फॉर द रूटीन। रूटीन हमारा क्या होता है, बायोफ्लेविनोइड होता है, ये हमारा फ्लेविनॉल ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। रूटीन इज यूज्ड इन कैपिलरी ब्लीडिंग, बिल्कुल ठीक है। रूटीन इज यूज्ड एज द विटामिन पी, एकदम यहां पे करेक्ट है, क्योंकि पहले रूटीन को हम, रूटीन किससे, हेस्पेरिडिन रूटीन की हम बात करते हैं, विटामिन पी। और यहां पे आंसर हमारा क्या है, ऑल ऑफ द अबव है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको थोड़ा समझिएगा। रूटीन ऑब्टेन फ्रॉम द हमारा फैगोपायरम स्पिरेंटम से ऑब्टेन होता है, बकवीट जो हमारा कहलाता है, पहला पॉइंट। दूसरा हमने क्या बोला, इट इज यूज टू ट्रीट कैपिलरी ब्लीडिंग में यूज होता है। रूटीन हमारा फ्लेविनॉल होता है, बायोफ्लेविनॉल होता है, बायोफ्लेविनॉइड होता है, फ्लेविनॉल ग्लाइकोसाइड में आता है, कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आप इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डायसिन वाले में आया, आप डायसिन एस्ट्राडल सैपरेन ग्लाइकोसाइड ऑफ द डायस्कोरिया ट्यूबर्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस। आप डायस्कोरिया में डायसिन हमारा मिलेगा और डायसिन की जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो डायस्जेनिन 1 ग्लूकोज एंड 2 रहमनोज ही मिलेगा, कोई करेक्शन जरूरत नहीं है, आप इसकी सिंपल हाइड्रोलिसिस देखिएगा। एसिड हाइड्रोलिसिस में डायस्जेनिन डी ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ द एल रहमनोज मिलने वाला है, ये डायसिन की बात है, डायस्जेनिन ये होता है, तो दोनों अलग हो गए, आप उसके लिए परेशान अब मत होइएगा। नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन है, मैं यहां पे कहूंगा, कल मैंने आपसे बोला था कि इस पे आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, थोड़ा इसको मैं क्लियर करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक एंजाइम मार्कर ऑफ द सेल डेथ इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। एक्चुअली जब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का टेस्ट होता है और उसकी टेस्टिंग की जाती है एक वहां पे सेल डेथ में, तो वहां पे 3 रीजन मिलने वाले हैं। पहला हमारा, सबसे पहला आता है कार्डियक ट्रोपनिन। कार्डियक ट्रोपनिन आई और एल टाइप का हमारा होता है, आई को डिमोन्स्ट्रेट किया जाता है, वो हमारा सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन मार्किंग होता है। दूसरा हमारा आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और तीसरा आता है क्रिएटिनिन काइनेज की बात होती है। तीनों देखने को वहां पे मिलते हैं, लेकिन अगर आप सेल डेथ हो चुका है अब तब आप कर रहे हो, तब आप यहां पे सिंपल मानिएगा कार्डियक ट्रोपनिन ही किया जाएगा। हर्ष मोहन में क्लियर कट ये बुक में मेंशन है, तो इसके लिए आपको मैं सजेशन करूंगा कि इसके लिए परेशान मत होइएगा, कार्डियक ट्रोपनिन ही होगा, इसमें आंसर में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये बुक में क्लियर कट मेंशन है।
elevated level of the cardiac specific troponin, elevated lactic dehydrogenase, aspartate aminotransferase and ये हमारा सारा होगा. लेकिन लेकिन जो आपका actual finding cell death पे होगा वो क्या होगा? Cardiac troponin के ही होगा. तो इसलिए यहाँ पे correction की जरूरत नहीं है. Okay, next हम बात करते हैं when alkene are epoxidized when the optically active per acids optically active epoxides are formed under the same defined condition epoxidation of e-butene by the peroxycamphoric acid. यहाँ पे देखो camphoric acid affords unequal yields of the enantiomeric epoxide. However, a similar epoxidation of Z-butene can only afford. यहाँ पे बड़ा confusion वाला question है. लेकिन यहाँ पे तीन reaction को एक साथ merge करके दिया गया है. आपको बाकी चीजें छोड़ दीजिएगा. यहाँ पे similar है कि जब आप यहाँ पे epoxidation करोगे Z-butene का तो यहाँ पे आपको मीजो epoxide ही मिलेगा. NTA ने correct दिया है. चलो एक बार confirm करके देखते हैं. हमारा जो Z की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्या है, Z की बात हो रही है, पहले मैं confirm कर दूं. जेड करोगे तो यहां पे आपको मीजो कंपाउंड मिलने वाला है. लेकिन जब आप ई की बात करोगे पर ऑक्सी कंफोरिक एसिड के प्रेजेंस में तो आपको यहां पे दोनों मिलने वाले हैं. आर और एस कॉन्फ़िगरेशन के दोनों मिलेंगे. इसीलिए यहां पे बोला गया है कि जब आप पर एसिड्स के बीच प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तब आपको वहां पे क्या मिलता है, दो इनेंशियोमर मिलते हैं. लेकिन जब आप इसकी करते हो तो आपको यहां पे कैन अफोर्ड ओनली ओनली आ गया. तो वैसे ही आप यहां पे आंसर लगा सकते थे मीजो इपॉक्साइड वाला है और कुछ भी यहां पे करेक्शन की जरूरत नहीं है. क्लियर कट आंसर है. अच्छा, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स के बड़े कंफ्यूजन हुए कि सर यहां पे तो आपको ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में कैसे मिलने वाला है. क्लियर कट कितनी बार आपको मैंने जब आपको मैंने शुरू में भी बताया था ना, जब शुरुआत के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में भी एक्सप्लेनेशन हमने किया था तब भी मैंने आपको इसका ग्राफ दिखाया था कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में सिग्मोइडल कर्व ही मिलता है. कोई करेक्शन और कोई डाउट की जरूरत नहीं है. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कर्व में आपको यहाँ पे वॉल्यूम वर्सेस पीएच की बात हो रही है तो वॉल्यूम ऑफ बेस एंड पीएच के बीच का ही ग्राफ है. तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम किसका, बेस का ही तो होगा ना. एनएओएच की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड द वन दैट इज नॉन एरोमेटिक. इसमें भी नॉन एरोमेटिक में कंफ्यूजन कहां. इसको तो हमने कैलकुलेशन करके कल मैंने बोला था, फिर भी स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन आया कि नहीं सर इसको रीचेक करिएगा. चलिए एक बार जरा रीचेक करता हूं. हकल्स रूल्स के अकॉर्डिंग देखो, मैं बाकी चीजें पे नहीं जाऊंगा. आपको यहां पे सीधी मैं ओपी टंडन सर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है उसमें उन्होंने सीधे कट क्लियर कंसेप्ट है. साइक्लोऑक्टाटेट्रीन की बात कर रहे हैं और यहां पे 4N+2 का जब रूल लगाएंगे जो हमारा हकल्स का रूल होता है, आप यहां पे बात करोगे तो यहां पे क्या होगा, हमारा एन कितना यहां पे आगे आएगा, 1.5 आएगा, 1.5 आएगा. अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हमने क्या बोला 4N+2 = 8 आएगा. और अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो N इज इक्वल 1.5, यानी यहां पे नॉट एन इंटीजर, ये हमारा पर्सन उसमें आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है. और जहां पॉइंट में आएगा डज नॉट विल हैव द एरोमेटिसिटी तो वो नॉन एरोमेटिक होगा. नाउ द नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन आया. यूनिट ऑपरेशन में हमारे जो प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं, आपको यहां पे डिफरेंट हमारे क्रिस्टलाइजर हैं और उन क्रिस्टलाइजर के प्रिंसिपल की बात हो रही है. हमने बोला क्या, सैमसन वॉकर क्रिस्टलाइजर क्रिस्टल, इसको मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको इसको सीधे बुक पे आता हूं. सैमसन वॉकर क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज इंड्यूस्ड बाय पासिंग द कोल्ड वाटर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द हो, यहां बात कर रहे हैं. यानी अगर हमने बोला ए फॉर टू इन्होंने दिया है, यानी कूलिंग एलोन की बात हुआ है. देखो लिखा है कि नहीं, पासिंग द कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर कूलिंग एलोन पे हमारी बात आ गई तो ए फॉर टू हम चलेंगे तो वैसे ही हमारा करेक्ट हो गया. इसमें मुझे और ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है. आप चाहो तो इसको एक बार रीड आउट भी कर सकते हो. फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की सीवीएस सुब्रमण्यम सर की बुक है, फर्स्ट एडिशन जो हमने दिया है, पेज नंबर 375 और 377 पे ये सारे क्रिस्टलाइजर के बारे में यहाँ पे मेंशन है. आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर वन हमारा क्या कह रहा है, इज द प्रैक्टिस ऑफ द फार्मेसी इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओन्ड हॉस्पिटल हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन क्लिनिक वॉक इन हेल्थ सेंटर एंड नर्सिंग होम. यहाँ पे अब स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आपने तो इसको पहले बोला था कम्युनिटी फार्मेसी, लेकिन तब प्रॉपर क्वेश्चन नहीं था. अभी हमारे पास प्रॉपर क्वेश्चन है और इस प्रॉपर क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे रेमिंगटन का पेज नंबर 2, जी हाँ रेमिंगटन की पेज नंबर 2 की मैं जाऊंगा. इसलिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा पेज नंबर 6 है, रेमिंगटन बुक का पेज नंबर 6 पे चलेंगे. रेमिंगटन एसेंशियल ऑफ द फार्मास्यूटिक्स 22nd एडिशन का पेज नंबर 6 एंड 7 पेज की बात हो रही है. देखो साफ साफ लिखा है, हेल्थ सिस्टम फार्मेसी इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओन्ड हॉस्पिटल हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन क्लिनिक वॉक इन हेल्थ सेंटर एंड नर्सिंग होम.
सारी चीजें तो आ गई, जब सारी चीजें यहां पे आ गई तो आपके क्वेश्चन में भी तो यही था, साफ साफ देखो पूरी लाइन लिखी गई है रेमिंगटन बुक से। तो हेल्थ सिस्टम फार्मेसी कहलाता है, ये हेल्थ सिस्टम फार्मेसी की डेफिनेशन है, कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है ना। ये लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के सीरीज में यहाँ पे स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन आया था, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस का टाइप और उसके एप्लीकेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन टेस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे देखो सिंपल ये क्वेश्चन पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं आ जाता हूं इस पे। पहला हमारा क्या है, प्रेसिपिटेशन टेस्ट की बात कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन टेस्ट की बात कर रहे हैं। मैंने इसको कहा पे, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन टेस्ट, दिस इज यूजफुल इन डिटेक्टिंग एंटीबॉडीज टू द एक्सोटॉक्सिन ऑफ टिटनस, डिफ्थीरिया एंड स्कारलेट फीवर एंड मोर सेंसिटिव मैटर लाइक द रिया एंड एलिसा की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है, प्रेसिपिटेशन टेस्ट हमारा किसके लिए है, स्टेफलोकोकल डिफरेंशिएशन इनटू द सेरोलॉजिकल ग्रुप, और सेरोलॉजिकल ग्रुप में हमको मिल गया क्या, डिफ्थीरिया एंड टिटनस हमको देखने को मिल जा रहा है। दूसरा हमने यहाँ पे क्या बोला है कि एग्लुटिनेशन की बात हो रही है, देखो एग्लुटिनेशन, एग्लुटिनेशन यहाँ पे आपको मेंशन कहाँ है, एग्लुटिनेशन सेमी क्वांटिटेटिव एग्लुटिनेशन कहने की बात है, इज द When suspension of bacteria or red blood cells are mixed with the antisera, they are usually clamped. यहाँ पे हमारा हो रहा है और यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, देखो बी फॉर फोर हमको जाना है यहाँ पे ट्रिपोनेमा पैलिडियम। अच्छा ट्रिपोनेमा पैलिडियम एग्लुटिनेशन में आप देखिएगा, ट्रिपोनेमा पैलिडियम आपको कहां पे हमने मेंशन किया है। ओके एग्लुटिनेशन टेस्ट फॉर द सिफिलिस, टेस्ट फॉर द सिफिलिस विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है, रैपिड प्लाज्मा रेजिन हमारा टेस्ट फॉर द सिफिलिस किया जाता है एग्लुटिनेशन मेथड से। तो यहां पे हमारा करेक्ट है बी फोर, ए टू बी फोर वैसे ही हमारा आंसर करेक्ट हो गया। कॉम्प्लेंट फिक्सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें रूबेला एंड टाइप टू हर्पस वायरस की मिलेगा, एलिजा की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा क्या, सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ द इन्फ्लुएंजा एंड मम्स वायरस, एलिजा की बात हो रही है तो वायरस ही देखने को मिलेगा ना, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट आंसर की बात हो रही है, आप इससे जरूर जा सकते हो। तो ये हमारे आज के 22 क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में डाउट थे उनको हमने लिया। आई होप इन डाउट से आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं एंड यू हैव द लिमिटेड टाइम, सो व्हाट द टाइम यू हैव यूज इट फॉर योर बेटर रिजल्ट। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टेल देम एंजॉय प्लीज प्लीज प्लीज, ये आंसर हमने अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चंस लिए हैं। अभी इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमारी तरफ से बन रहा है, वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे, आगे करेंगे, लेकिन अभी वो क्वेश्चन हमने लिया जो आपका डाउट्स था। ओके सो गो फॉर दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।